अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube के इस चैनल में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं हमेशा वशीकरण करने के बहुत सारे तरीके। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय जो कि बहुत सारे लोग हमसे कह चुके हैं कि हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज मौलाना जी ने खास अपने दर्शकों के लिए वो एक वीडियो बनाने के लिए हमें कहा, और मौलाना जी ने स्पेशली हमें ये तरीका बताया है जिससे कि आप सभी की समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई ना कोई परेशान करता रहता है, जिनके दुश्मन हैं, और दुश्मनों की वजह से उनकी जिंदगी में हमेशा जो काम होता है वो रुक जाता है, या फिर उनके काम बने बनाए जो काम होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के जो भी दुश्मन हैं, आप अगर उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो आप हमारे इस अमल को जरूर कीजिए, क्योंकि आप इसके जरिए अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, वो उनका खात्मा हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे दुश्मन आपके जो कि आपकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी लाते रहते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, या फिर आपके शौहर की जिंदगी में कोई हो, या फिर अगर आपके शौहर किसी और महिला के चक्कर में है, आपके कोई सौतन है, आप उसे भी अपनी जिंदगी से अगर निकालना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए और आपकी जिंदगी में कभी भी लौट के ना आए, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ना करें जिससे आपकी दुश्मनी ना हो, जो सच में आपका कुछ बुरा चाहता हो या आपका बुरा कर रहा हो, सिर्फ उसी के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आपको बिल्कुल पाक साफ होकर सच्चे मन से इसे करना है। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से यूं ही बदला लेने के लिए इसे मत कीजिएगा। जो सच में आपका दुश्मन है, चाहे वो सौतन हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई परेशानियां डाल रहा हो, तो आप उसके लिए इसको जरूर करके देखिए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। आपकी जो जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसको करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक अंडा और एक पेन। ऐसा पेन ले लीजिएगा जो कि इस पर चलता हो, मतलब आपको दिखाई दे जब आप इस पर लिखें। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। मौलाना जी ने जो हमें बताया है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये अमल है जिसके जरिए आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अंडा लें, और अंडे पर आपको इस तरह से, मतलब अंडे को लंबे वाले तरीके से आपको लेना है, और एक तरफ आपको लिख देना है इस पर 786। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिखिए 786, और नीचे की तरफ आपको एक नक्श बनाना है। इस तरह से आपको ये पेन की सहायता से इस तरह से बना लेना है, और उसके बाद आपको ये 9 खानों वाला नक्श है, तो इस तरह से आपको 3 लाइनें यहाँ पर खींचनी होंगी, और ये आपने बना लिया। ये देखिए, इस तरह से आपका नक्श बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको इसमें लिखना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से शुरू करना है आपको, सबसे पहले लिखना है आपको 17, यहाँ पर लिखना है 8, और यहाँ पर लिखना है 4, फिर इस तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है 5, 2, और फिर ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ में आपको फिर से यहाँ पर लिखना है 17, और यहाँ पर लिखना है 8, और इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है 5, और बीच की जगह यहाँ पर आपको जो है अपने दुश्मन का नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन का नाम आपको इस तरह से लिखना है कि वो पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो आप बिल्कुल बारीकी से अपने दुश्मन का नाम यहाँ पर लिखिएगा, जिससे कि वो इस खांचे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, आप यहाँ पर अगर कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी सोहेल लिख रही हूँ, तो आपको सिर्फ उनका पहला नाम इसके अंदर लिखना है। इसके बाद आपको अंडे को इस तरह से घुमाना है, और उसके बाद अपने दुश्मन के जो भी उनकी माँ का नाम आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो यानी कि आज जैसे कि आपने बीच में अगर अपने दुश्मन का नाम लिखा है, तो सुहेल, मैंने सुहेल लिखा है, तो उनकी माँ का नाम आपको उसके नीचे लिख देना है, नाम इस तरह से आपको उनकी माँ का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि सुहेल तो बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन अगर आप उनकी माँ का नाम भी लिख देंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। और एक अंडे का इस्तेमाल आप एक व्यक्ति पर ही कर सकते हैं, एक अंडे में आप बहुत सारे दुश्मनों का नाम नहीं लिख सकते। तो जो भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा समस्या खड़ी कर रहा हो, सिर्फ उसी के ऊपर आप इसका उपयोग करके देखिए, और आपको इसका तुरंत फायदा होगा।
इस तरह से आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस अंडे को अपने सामने रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति का नाम आपको अपने मन ही मन सोचना है जिसने आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसले खड़े कर दिए हैं, बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। वो सारी परेशानियां जो इस व्यक्ति की वजह से आपकी जिंदगी में है, उन सब के बारे में आपको सोचना है और उसके बाद अल्लाह ताला का नाम लेते हुए आपको इस अंडे को अपने हाथ में लेना है और इसे इस तरह से छुपा कर अपने साथ बाहर ले जाइए और शमशान में जाकर आपको इसे दफन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, शमशान में जाने का जो समय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऐसे समय पर जाना है जिस समय की आपके आसपास में कोई ना हो, उस जगह पर भी कोई ना हो। तो आप इसे अकेले जाकर भी दफन कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो आपके साथ में आप किसी एक व्यक्ति को ले जा सकते हैं। वो आपके शौहर हो सकते हैं या फिर आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या आपके फैमिली का ही कोई एक और पर्सन हो सकता है। आप दो लोग जाकर इसे शमशान में गड्ढा खोदकर और उसके बाद दफन कर दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि शमशान में जहाँ पर आप जा रहे हों किसी भी गंदी जगह पर आपको इसे नहीं दफन करना है दोस्तों। ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर कम से कम कुछ दिनों तक कोई इसके ऊपर पैर ना रखे। ये अंडा आपको जमीन के अंदर दफन करना है और उसके बाद आपको वहां से वापस आ जाना है। पीछे पलट कर दोस्तों नहीं देखना है। घर आने के बाद आपको वजू कर लेना है, आपके साथ जो भी व्यक्ति गए उन्हें भी वजू करवा दीजिएगा और उसके बाद आप चुपचाप अपने घर पे आकर सो जाइए। अगर आप रात के समय इसे कर रहे हैं तो घर पे आने के बाद आपको किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है और इसे करने का बिल्कुल सही समय जो है वो रात का ही समय है। तो आप इसे रात में कीजिए और इस उपाय से आपके दुश्मन का नाश हो जाएगा, वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो इस दुश्मन ने खड़ी की थी, वो सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जो बताया आप उसे करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपका कोई और मसला है, कोई और समस्या है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको उस मसले का हल जरूर बताएंगे। मौलाना जी चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनकी जिंदगी में जो भी मसले आते हैं वो सब मसले खत्म हो जाएं और उनकी उनके जीवन में कोई भी समस्या ना रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।